नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों कंफ्यूजन क्लियर, मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। बहुत सारे आप लोग मैसेज वगैरह करते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से वीडियो आप लोग देख के आते हो, उसके बाद जो है आप लोग कंफर्म करने के लिए जो है मेरे को आप मैसेज वगैरह करते हो। देखिए रिटेन एग्जाम कब होगा ये मैं आज से नहीं बता रहा हूँ, जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो 3 से 4 महीने पुरानी भी मेरी वीडियो उठा के देखोगे तब भी मेरी कॉमन ही बात थी और मैं आज भी वही बात कहूंगा, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि मैं चीजें आपको इसमें थोड़ी सी मैं विदाउट विद फैक्ट बताऊंगा, विदाउट फैक्ट नहीं, कुछ भी बोलने के लिए तो सभी कुछ बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि रिटेन एग्जाम क्या है। उससे पहले देखते हैं हम कि 1 मार्च को देखिए दोस्तों ये आपका बैच स्टार्ट हुआ है फॉर जीएस के लिए, हिंदी मीडियम, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं जल्दी ही जो है आपको एक न्यूज दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। ये हिंदी मीडियम के लिए बैच है पूरा, ठीक। ये 1 मार्च से आपका स्टार्ट हो गया। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स आपके हैं, इन दो नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक, पढ़ाई के लिए सिर्फ। अब उसके बाद जो है सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले ये चर्चा चलती थी, बाजार गर्म था कि भाई नोटिफिकेशन कब आ रहा है, नोटिफिकेशन कब आ रहा है। चलिए ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है कि भाई वो नोटिफिकेशन आ गया। फॉर्म के लिए उन्होंने बता दिया कि भाई हम जो है 1 अप्रैल से आपका जो है फॉर्म भरवाएंगे और 30 अप्रैल तक हम लोग भरवा लेंगे आपसे फॉर्म, ठीक। तो मतलब अप्रैल महीना गया पूरा। अब आता है बहुत सारे जो लोगों ने, ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं उन्होंने किस तरीके से कराया या क्या है, वो भी मैं क्रोनोलॉजी आपको समझाऊंगा। देखिए ये आज से नहीं होता चला आ रहा है, ये सितंबर से होता चला जा रहा है। जब जुलाई बट्टे अगस्त में जब आपका भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका जब मैसेज आया था, जब उन्होंने एक पूरा का पूरा माहौल बनाने की कोशिश करी थी, तब उस समय ये हो रहा था, नवंबर में हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ये चीज बोल रहे थे, ठीक। उस समय भी मैंने ये कहा था कि मैंने कहा था ये अपने ये भर्ती बोर्ड जो है, भर्ती बोर्ड अपने जो है पूरी की पूरी ताकत लगा देगा, 7 पुस्तें उतर आएंगी तब भी दिसंबर में नहीं ले सकता। उसके बाद फिर जो है सितंबर बटे अक्टूबर में एक बार फिर कहानी चली कि जनवरी में हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े दिग्गज चैनल, ठीक है, उन्होंने तक ये बात कही थी कि हाँ भाई 28 जनवरी से पहली शिफ्ट होने वाली है। तो विदाउट फैक्ट उसका भी रीजन था। क्रोनोलॉजी क्या थी? क्रोनोलॉजी ये थी कि भाई पहले डराओ, डराओ से पहले जो है कम समय बताओ, पहले कम समय बता दो कि भाई हाँ भाई 2 महीने बाद पेपर है आपका। उसके बाद लड़के डर जाएंगे, लड़के डर जाएंगे तो उसी बीच जो है बैच आपका ले लेंगे। ये क्रोनोलॉजी होती है, ठीक। मैं आपको भाई एक चीज बता रहा हूं, विद फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। एग्जाम आपका जून या जुलाई, इन दोनों महीनों में से भी होगा, वो भी जून के स्टार्टिंग में नहीं होगा, जून की स्टार्टिंग में नहीं होगा, जून के एंड या जुलाई में आपका हो सकता है, ठीक है। आप लोग जून मिड के बाद 15 जून तक का आप टाइम मान के चलिए कि आपके पास है। अब इसका रीजन मैं आपको देता हूं, ठीक है। लोग आप कहेंगे कि सर आप तो मतलब ऐसे ही बोलते चले, बहुत मैंने देखा है कि ऐसे ही बोलते चले, रीजन है। देखिए इसको देखो पहले आप, यूपी बोर्ड की जो ये 12th क्लास की जो ये टाइम टेबल निकला है, और इसके लिए पीछे भी रीजन बताऊंगा मैं, ठीक है। इसमें क्या डेट बोली है कि इन्होंने बोला है भाई 24 अप्रैल से जो है वो 12वीं कक्षा के जो है एग्जाम शुरू हो जाएंगे बोर्ड के, ठीक है। और ये कब तक चलेंगे आपके? ये आपका अप्रैल पूरा जाएगा, ठीक है, मई पूरा गया, 12 मई तक मान लो ये पेपर होते हैं, ठीक है, 12 मई तक आपके जो है पेपर होते हैं। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड का उठा लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड में देखिए ये कह रहे हैं कि 6-5 से तो स्टार्टिंग हो रही है इनकी 10th क्लास की, ये देखिए ये 10th क्लास की। उसके बाद फिर ये 12th क्लास के एग्जाम है 4-5 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी कौन से? साइंस स्ट्रीम के, और 1-6 तक चलेंगे, मतलब 1 जून तक। फिर उसके बाद आर्ट स्ट्रीम के हैं, ये भी 1 जून तक, ये जो है 10 जून तक, ये जो आपके आर्ट स्ट्रीम के हैं ये आपका 10-6 तक दिखा रहा है। अब इसमें क्या चीज है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ठीक, अब देखिए क्या है सीन, जून में आपका एग्जाम इसलिए नहीं हो सकता। लोग कहेंगे सर पेपर तो हर बार होते हैं 10th और 12th के, देखिए ऐसा होता है, अगर आपको पता हो कि कोई भर्ती बोर्ड जो NSEIT से जो वो करा रहा है उसकी कोई खुद की तो लैब है नहीं टीसीएस की तरह, ठीक है। तो टीसीएस की तरह जब वो लैब नहीं है तो सीधी सी बात है वो स्कूल को ठेका देगा, और उसी स्कूल को ठेका देगा सीधी सी बात है जिसमें आपका कंप्यूटर का
पूरा पूरा भाई उनका जो है सेटअप होगा, ज्यादातर जो है वो मानता हूँ कि हाँ यूपी बोर्ड में भी वो चीज होती है, लेकिन यूपी बोर्ड में जब भाई हो जाएगा उसके बाद यूपी बोर्ड में स्कूल में ही जो है कॉपियां चेक होती हैं, ठीक। तो वहां यूपी बोर्ड में तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कभी भी यूपी बोर्ड के किसी स्कूल में आपका जो है वो नहीं डाला जाता है, कभी रेयर चांस में हो जाता है, लेकिन नहीं, मेनली जो है सीबीएसई बोर्ड वाले जो स्कूल होते हैं उसमें डाला था। लेकिन उस समय तो पेपर चल रहे होंगे जिस हिसाब से, मतलब लोग बता रहे हैं हाँ मई में होगा, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक। मई में आपका किसी भी कीमत पे पेपर नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पे पेपर नहीं होगा, इसलिए ज्यादा आप पेपर हो, मैंने पहले ही बता रखा है कि पहले नोटिफिकेशन का आप लोग चिल्लाएंगे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, उसके बाद आप लोग कहेंगे हाँ भाई सर पे जो है एग्जाम की डेट कब है, एग्जाम की डेट कब है, फिर उसके बाद जब जो है एग्जाम पास आ जाएगा फिर कहेंगे कि सर अरे बहुत जल्दी एग्जाम ले लिया इन्होंने, तो ये तो बहुत गलत बात है, नोटिफिकेशन से कम 1 साल तो मिलना चाहिए था, नहीं। उसके बाद जो है आप लोग कहेंगे सर कट ऑफ, कट ऑफ आफ्टर कट ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ कह लो या फिर एक्सपेक्टेड नंबर्स के लिए मैं एक शाम तक एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें कि मैं ये बता दूंगा आपको कि आपको मिनिमम इतना स्कोर करना है, ठीक। ठीक है, देखिए जो मेरा क्रिटिसाइज करते हैं जो कुछ करते हैं मुझे उनसे कोई मैटर नहीं करता, मेरा एक सिर्फ ध्येय रहता है कि सही और सच बात स्टूडेंट तक पहुंचे, ठीक। क्योंकि आजकल झूठ बोलने वाले दिग्भ्रमित करने वाले बहुत लोग हैं, वो तो भरा पड़ा है। मैंने क्या बोला था आपको, 99.9% लोग इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको डीमोटिवेट करने और डराने का ही काम करेंगे, 0.1% लोग होंगे जो कि आपको मोटिवेट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डेली बेसिस पे मैं बिल्कुल यूपीएसआई से संबंधित ही क्वेश्चन फॉर्म फॉर्मेट बना के और तब मैं उस पर क्वेश्चन डालता हूँ, उससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं चलता है वहां पे, चीजों को क्वेश्चन को मैं खुद बनाता हूँ और तब आपको पता चलता है कि वहां पर आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों शाम का मैं वीडियो बना दूंगा, रही बात इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं आपको जो है एक बैच में लॉन्च कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं आपको डिटेल में उसकी बात बता दूंगा, लेकिन अभी जीएस का 1 मार्च से जो है बैच स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा वेट कर लें, ठीक है, शाम तक हो सकता है मैं अनाउंसमेंट कर दूं, ठीक, जीएस के बैच के लिए। धन्यवाद।